अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक बार कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत फिर से रखे, आमीन सुम आमीन। जैसा कि आज रोज़ा 10वां रोज़ा है और इफ्तारी वगैरह तैयार हो रही है और वीडियो बना नहीं पाता। रमज़ानों में थोड़ा सा मसला हो जाता है वीडियो का, एक दिन दो दिन छोड़ के बनाता हूँ। और अभी दुकान पर खड़ा हुआ हूँ अपनी बच्चों की दुकान पर, और अभी चलता हूँ अंदर। इफ्तारी तैयार हो रही है, देखते हैं कि क्या हो। हाँ? अंडरटेकर अंडरटेकर मैं बनाऊँ तो मैं अंडरटेकर। ये तैयारी तैयार हो रही है, ये बेसन बेसन पकौड़ों का तैयार हो रहा है। और ये पत्ती तो उठा के ऊपर रखो, और ये तेल रख दिया गया है, ये पत्ती वहाँ रख दो। और ये बेसन पकौड़े तैयार हो रहे हैं, और अभी तरबूज वगैरह भी काटेंगे। और इफ्तारी के लिए तैयारी है फुल। अभी तुम्हारे दाने सही हो गए? ठीक हो गए, पहले थे यहाँ पे, अब ये इसको चिकन पॉप निकला हुआ था, दिखाना। ये चिकन पॉप इसको निकल गए थे, बड़ा एक हफ्ता बड़े मुसीबत में गुजारा इसने। अभी तो काफी आराम है, खारिश बहुत होती थी पहले, खारिश मुंह पे भी होने। हाँ, ये देखे मुंह पे भी इसको निकले हुए चिकन पॉप, और अब सेट हो गया। अब सेट हो गया, आज छठा दिन है और कल सातवां, लेकिन एक अब सूखना तो अब ख़त्म हो रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया था, टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए थे उन्होंने, और कुछ लोशन दिया था इसको लगाने के लिए ख़ारिश ना, और टेबलेट वगैरह दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सही है। अब पहले एक ये हुआ, फिर बेटी हुई, फिर वो छोटा हुआ। अब तरतीब से डेली ऐसे लगता है, बस थोड़ी सी परेशानियाँ थी, वीडियो इसलिए नहीं बना पाया। आज से फिर स्टार्ट कर दिया हमने। तो अब एहतियात रखा करो अपना, सही है ना? ख्याल रखो, अभी बाहर नहीं जाना, आज भी नहीं जाना, कल से जाना। आपको मार के दिखाएगा, क्या मार के दिखाएगा? सोच रहे वीडियो स्टार्ट है ना? नहीं, वीडियो स्टार्ट नहीं है। मसला ये है कि ये चादरें वो बना के जाते हैं और तुम खराब करते रहते हो। हैं, इफ्तारी बना जाए, ये चादरें आगे बनाए वो बार बार। अब अगर की ना तो अब लगेंगे चांटे, सही है ना? पकौड़ों का काम स्टार्ट हो चुका है इफ्तारी के लिए। ये पकौड़े डाल चुके हैं इसमें, और बाकी ये अब तरबूज वगैरह भी ला के ले आओ, और उसको भी कटाई शुरू करो उसकी। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खुशबू आ रही है, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और ये तैयार होते हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये पकोड़े बन रहे हैं। और मैं अपना तरबूज काटने में, और तरबूज देखें, और ये तरबूज भी पहले तो 100-150 रुपए किलो था, अब जो है ना तरबूज 80 रुपए किलो मिला है। और अमरूद जो है, अमरूद तो 300 रुपए किलो, और केले भी 300 साढ़े 300 रुपए दर्जन। कहाँ जाएंगे हम लोग? बहरहाल जितना भी अल्लाह ने दिया है शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बाकी इफ्तारी तैयार हो रही है, पकोड़े तैयार हो रहे हैं, शरबत भी तैयार हो रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आज 10वां रोज़ है, इख्तिताम को पहुँचा, तो कल 11वां है। बस ये कि रोज़ों में थोड़ा सा वीडियो बना नहीं पाता, और मसरूफियत इतनी, और काम पर जाना पड़ता है, फिर रोज़ा भी होता है, फिर घर पर आओ, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो वीडियो इसलिए रमज़ानों में थोड़ा एक दिन दो दिन छोड़ के मैं डालता हूँ। तो अभी इसको काटना स्टार्ट करता हूँ, पकौड़े स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी तैयारी तैयार हो चुकी है, ये टैंक बना चुके हैं, तरबूज कट गया है, खजूरें, पकोड़े माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं पकोड़े, ये भी बना लिए। और बस ये कि महंगाई के दौर में जो भी अल्लाह ने दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। और अभी ये बैठे हुए सारे हम लोग अभी तारी करेंगे। और ये हमारा छोटा वाला, ये तो बहुत तंग करता है, बहुत ही तंग करता है, बहुत ज़्यादा। और ये भी कम नहीं है, ये भी अपनी कसर पूरी करता है। 200 मीटर ज़्यादा। तो अब ये इफ्तारी का टाइम हो गया, अजानें होने वाली है, तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं इफ्तारी के बाद। पहले भी वर के नमाज़ पढ़कर आ गया हूँ, रोज़ा खुल गया, नमाज़ पढ़कर भी आ गया हूँ, और अब आके थोड़ा सा सुकून करूँगा, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठे हुए होते हैं, फिर वो सहरी के टाइम से उसके बाद सोते नहीं हैं, क्योंकि काम वगैरह भी करना पड़ता है, और सारे काम में अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी थी, स्कूल जा नहीं रहे बच्चे। तो बस ये है कि हम लोग जो है कि मुझे तो नींद नहीं आती, मैं तो जागता रहता हूँ। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सबको खैरियत फिर से रखे।
मेरी आप बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।